एक नंबर में है अत्ता साथ, जो 2013 में रिलीज हुई थी। बजट था 5 करोड़, कलेक्शन किया था 4 करोड़ और इसको फ्लॉप का टैग मिला था। दो नंबर में है लुसिया, जो 2013 में रिलीज हुई थी। बजट था 80 लाख, कलेक्शन किया था 3 करोड़ और इसको हिट का टैग मिला था। तीन नंबर में है ओलिदावरुकांदन, जो 2014 में रिलीज हुई थी। बजट था 3 करोड़, कलेक्शन किया था 7 करोड़ और इसको एवरेज का टैग मिला था। चार नंबर में है विकी, जो 2016 में रिलीज हुई थी। बजट था 4 करोड़, कलेक्शन किया था 13 करोड़ और इसको हिट का टैग मिला था। पाँच नंबर में है किरिक पार्टी, जो 2016 में रिलीज हुई थी। बजट था 4 करोड़, कलेक्शन किया था 50 करोड़ और इसको ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। छह नंबर में है सरकारी ही प्राकसार गोट, जो 2018 में रिलीज हुई थी। बजट था 3 करोड़, कलेक्शन किया था 20 करोड़ और इसको हिट का टैग मिला था। सात नंबर में है अम्बिनिन व्यवस्था, जो 2018 में रिलीज हुई थी। बजट इज नॉट अवेलेबल, कलेक्शन इज नॉट अवेलेबल एंड वर्डिक्ट इज नॉट अवेलेबल। आठ नंबर में है बेल बॉटम, जो 2019 में रिलीज हुई थी। बजट था 2 करोड़, कलेक्शन किया था 12 करोड़ और इसको हिट का टैग मिला था। नौ नंबर में है कथा संगमा, जो 2019 में रिलीज हुई थी। बजट था 5 करोड़, कलेक्शन किया था 7 करोड़ और इसको फ्लॉप का टैग मिला था। 10 नंबर में है हीरो, जो 2021 में रिलीज हुई थी। बजट था 8 करोड़, कलेक्शन किया था 21 करोड़ और इसको हिट का टैग मिला था। 11 नंबर में है गुरुदा गमना वृषभा बहाना, जो 2021 में रिलीज हुई थी। बजट था 14 करोड़, कलेक्शन किया था 45 करोड़ और इसको हिट का टैग मिला था। 12 नंबर में है हरिकथा अल्लागिरी कथा, जो 2022 में रिलीज हुई थी। बजट था 3 करोड़, कलेक्शन किया था 8 करोड़ और इसको एवरेज का टैग मिला था। 13 नंबर में है कंतारा, जो 2022 में रिलीज हुई थी। बजट था 16 करोड़, कलेक्शन किया था 372 करोड़ और इसको ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था।